सो हेलो नमस्ते गाइस, मैं आदित्य आपका स्वागत करता हूँ वन टेक ऑन गेमिंग चैनल में। तो गाइस, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप लोग जो है MLG सीख सकते हो, उसके बारे में कुछ मतलब टेक्निक बताया था कि कैसे आप लोग इजीली सीख सकते हो। एंड गाइस, उस वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मतलब कमेंट करेंगे एंड कहेंगे कि मैं जो है पार्कोर पे भी लाऊं, तो मैं गाइस लाऊंगा। तो गाइस, आप लोगों ने कमेंट किया तो मैं गाइस आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि पार्कोर को आप कैसे सीख सकते हो इजीली। उससे पहले गाइज मैं आ जाता हूँ फर्स्ट पर्सन व्यू पे। एंड गाइज देख सकते हो मैं जो है एक मोड भी लाया हूँ, मतलब मोड कह सकते हो कि इसमें जो है आप जो है कैसे सीख सकते हो, पूरा इसमें दिया है कि मतलब ऐसे ऐसे मतलब पूरा करना है। वैसे तो गाइज मैं बता दूँ आपको कि ये जो है यहाँ पे आपको जो अपने से हिसाब से वो जो बटन साइज है, स्प्रेड कंट्रोल है एंड जो भी वगैरह सब कुछ है वो आपको जो है अपने हिसाब से सही कर लेना है। एंड गाइस ये जो मैप है यार वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एंड गाइस देख सकते हो यहाँ पे वन लेवल है एंड इसको पार करने के बाद देख सकते हो कुछ ईजी वाला पहले मिलता है हम लोग को कुछ इस टाइप से, एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा हार्ड कर देता है यहाँ पे देख सकते हो गाइस कुछ इस टाइप से। एंड गाइस ऐसे ही बहुत बड़ा है यार भाई, मैंने जो है बता भी नहीं सकता मैं कितना बड़ा है, मतलब 300 से ज़्यादा लेवल्स हैं यहाँ पे। तो गाइस इजी इतना मत समझिए कि मैं जो है आसानी से पार करते जा रहा हूँ, इतना इजी नहीं है भाई। ये बस सामने मतलब ये पूरा मतलब अगर कोई बंदा है जो कि पूरा ही नहीं खेल पाता है तो उसके लिए भी है भाई। क्या यार नोबड़ों की तरह मैं मर गया। तो गाइस यहाँ पे अगर मरते हो तो आप यहाँ पे स्पॉन हो जाते हो, तो कोई बात नहीं गाइस मरा तो अच्छा हुआ। तो गाइस चलिए मैं दिखा देता हूँ वैसे कि मैं कितना कर लेता हूँ। ओके एक बार में मतलब एक बार में तो मर चुका हूँ फिलहाल फिर से। ओके गाइस तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा थोड़ा देख सकते हो कि यहाँ पे डिफ़िकल्टी मेरी बढ़ती जा रही है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो अब जो है वन वन ब्लॉक आने लगा, मतलब ऐसे में वन ब्लॉक आने लगा। एंड गाइस देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ा है। तो चलिए मैं क्रिएटिव जाके मैं पहले दिखा देता हूँ कि आपको कितना बड़ा मैप मिलने वाला है भाई, मतलब सोच भी नहीं सकते भाई बहुत ही बड़ा मैप मिलने वाला है। मतलब अगर आप इस पे सीख ले तो भाई मेरे को लगता है प्रो हो जाओगे भाई, मतलब इतना ज़्यादा है देख सकते हो बेड वगैरह भाई, इतना लेवल है मतलब पूछो ही मत। उसके बाद गाइस यहाँ पे इतना तो है इधर, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको इधर की साइड जो है देखने को मिलेगा, मतलब ये भी है बहुत बड़ी एरिया। एंड उसके बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा कि एक तो यहाँ से वापस जा सकते हो, एंड गाइस यहाँ से आपको यहाँ पे आने के लिए मिलेगा। चलिए तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जाके, तो यहाँ पे आपको आना है एंड इस पे कमांड ब्लॉक नीचे लगा हुआ है इस पे आएंगे तो यहाँ पे आ जाओगे। देख सकते हो गाइस यहाँ पे कुछ जो है अप वाला है, मतलब अभी तक था कि उसमें जो है हम लोग प्लेन में चल रहे थे, मतलब सामने के सामने जंप कर रहे थे, बट इसमें गाइस आपको जो है सामने भी जाना है एंड ऊपर भी जाना है जैसे कि देख सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे आप फाइनली यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लावा वगैरह भी है भाई, काफ़ी खतरनाक है। ओके गाइस तो यहाँ पे आप जो है इतना फाइनल कर लोगे तो यहाँ पे कुछ लेडर्स टाइप से बनाई हुई है, ये इजी है मतलब नॉर्मल है। एंड यहाँ पे आओगे तो गाइस यहाँ पे दिखा हुआ है जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, मतलब मैं जो है अपने वापस जा सकता हूँ यहाँ से। एंड गाइस ये देखो कि आप जो है आप इलाइट्रा ले सकते हो, मैं उड़ सकता हूँ अभी, तो मैं इसको देख सकते हो पहन लिया है मैंने। तो गाइस इस तरीके से भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ेदार होने वाला है। एंड चलिए तो मैं वापस चला जाता हूँ, तो गाइस यहाँ से वापस जाना है बट मैं जो है अभी जंप करके इलाइट्रा का यूज़ करके चलता हूँ भाई। नहीं हो पाया क्रिएटिव हो, ओके तो गाइस यहाँ पे क्रिएटिव मोड में नहीं हो पा रहा है। ओए ओके गाइस तो देख सकते हो भाई कि कुछ इस तरीके से आप जो है मतलब काफ़ी बड़ा लेवल है, मतलब काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। ओ भाई मैं टकरा गया, अभी लगता है मैं इधर ही गिरने वाला हूँ। ओके भाई चला जा उधर। ओके गाइस तो ये जो है क्रॉस वाला ये जो है लेडर है। ओके गाइस तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको ये जो है कैसे डाउनलोड करना है। एंड उसके बाद गाइस आप जो है सेटिंग वगैरह देख के अपने हिसाब से जो है आप यूज़ कर सकते हो कि कैसे इसको पार करना है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें सेटिंग देखना होगा क्योंकि इसमें सब जो है इजी इजी है, मतलब इतना भी इजी नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो गाइस चलिए मैं बता देता हूँ इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है। गाइस इस वाले ऐप में जो है पूरा पार्कोर का हर एक टाइप का मिल जाएगा जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, बट गाइस आप जो है बिगनर हैं तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है इजी पार्कोर, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे मिल जाएगा इजी पार्कोर F1.1, तो ये वाले को आपको इंस्टॉल कर लेना है। गाइस देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे वैसे तो, एंड मेरे को ये सबसे अच्छा लगा,
तो आप बाकी भी ट्राई कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे देखा जैसा कि दे रहा है डाउनलोड, उस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए मैं नया डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता तो हूँ मैं जो भाई, है इंटरनेट या फिर डाटा कह सकते हो ऑन करना भूल गया था, तो मैं ऑन कर लिया हूँ। अभी जो है मैं इस वाले को डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले को डाउनलोड करके दिखा दिया जाए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कैसे हुआ। वैसे तो बहुत ईजी है, जैसा कि देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है। अब इंस्टॉल एड ऑन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद अपना जो भी ऐप है उसमें सेलेक्ट कर लेना है। माई गाइज ये सब ऐप में चल रहा है, तो मैं जो है इरिस क्राफ्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड जो पहले दिखा रहा था वो था लकी क्राफ्ट। फिलहाल मैं जो है इरिस क्राफ्ट में ऑन कर लिया हूँ, वो लकी क्राफ्ट 10 था, अभी मैं इरिस क्राफ्ट में ऑन कर रहा हूँ। ओके गाइज, तो यहाँ पे अपना इरिस क्राफ्ट ऑन हो चुका है एंड देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ आर आई लेबल इम्पोर्ट एंड फिनिश सक्सेसफुली हो चुका है। तो हमें प्ले पे क्लिक करना है एंड गाइज देख सकते हो इजी पार्कोर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। मैं लोड करता हूँ एंड गाइज, तो अपडेट यहाँ पे एंड प्ले ऐड आ पे गया था, क्लिक इसकी करना वजह है। से मैंने कट कर दिया वीडियो को। एंड गाइज कुछ इस जगह आप जो है देख सकते हो स्पॉन हो जाते हो एंड यहाँ पे भाई लिखा हुआ नहीं आ रहा है, मतलब उसमें आ रहा था बट इसमें कुछ चीज़ें जो है नहीं आ रही है, लकी क्राफ्ट एक्स में आ रही थी बट। तो गाइज जिन लोगों ने अभी तक यार लाइक नहीं किया फटाफट से कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड गाइज यहाँ पे जो है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था कि ये जो है भाई मैंने दूसरे मोड को इंस्टॉल किया है तो इसमें नहीं आ रहा है लिखा हुआ। एंड गाइज यहाँ पे भी मेरे को कुछ सेम ही सेम देखने को मिल रहा है क्या? हाँ, तो गाइज देख सकते हो स्टेज 1 दिया है इसमें बस, एंड यहाँ पे मेरे को सेम उसी तरह देखने को मिल रहा है, कुछ अंतर तो नहीं मिला है। तो गाइज आप जो है कुछ इस तरीके से इजिली देख सकते हो भाई की मोड यूज करके भाई यहाँ पे आप सीख सकते हो। एंड मेरे को लगता है ये भी काफ़ी बड़ा मूड है। इसमें गाइज आपको ढेर सारे हर्ट्स मिल रहे हैं, उसमें जो है आपको एक ही हर्ट्स मिल रहा था, मतलब कि आप गिरो तुरंत मर जाओ। ये सही लगा मेरे को कि भाई उतना टाइम नहीं लगा। तो गाइज मैं जो है पहले क्रिएटिव में आता हूँ भाई, क्रिएटिव में इसमें भी ओके। तो मैं अभी चलता हूँ दिखा देता हूँ भाई क्या हो रहा है यार, नहीं हो पा रहा है, इसमें एडवेंचर चला जा रहा है। अभी क्रिएटिव कर दिया मैंने ओके, भाई नहीं हो पा रहा है, इसमें एडवेंचर चला जा रहा है नहीं पता क्यों। तो गाइज आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर दीजिए एंड आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा ऐसे कि कोई और भी वीडियो चाहिए होगी तो। तो गाइज मैंने ये पोस्ट डाला था एंड मैंने पूछा था कि माइनक्राफ्ट में प्रो किसको कहते हैं या फिर प्रो कैसे बनते हैं, तो गाइज आप लोगों ने मुझे बताया जैसा कि स्प्रिट रन के बारे में बताया, क्लचेस के बारे में बताया।